गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सरिता चौधरी, टीजीटी साइंस टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टॉक. इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, आर टूडेज वीडियोज टॉपिक इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस. इन दिस टॉपिक स्टूडेंट्स वी विल स्टडी दैट हाउ एसिड्स एंड बेसिस दे केमिकली रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस लाइक मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, हाउ दे रिएक्ट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विच इज एक्शन विद मेटल्स. केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर स्टूडेंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. एंड यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है, दैट व्हेनेवर एनी एसिड और अ बेस इट रिएक्ट्स विद अ मेटल, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व. तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी एसिड या बेस की रिएक्शन अगर हो रही है मेटल के साथ तो वहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. नाउ द सॉल्ट इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल, व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद द मेटल, और इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आल्सो दैट वी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1, दैट व्हेनेवर एनी एसिड इट रिएक्ट्स विद द बेस टू न्यूट्रल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, देयर इज आल्सो द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. But this formation of salt in all these three cases that is entirely different. उसको हम आगे अभी study करेंगे. तो पहले बात करते हैं that how acids they react with the metals. अभी basis की बात नहीं कर रहे, तो ये देखते हैं कि acids metal के साथ कैसे react करते हैं. तो जब भी reaction होगी तो हमें पता है वहाँ पे salt का formation होगा, साथ में hydrogen gas evolved होगी. So these kind of reactions of acids with metals are the example of displacement reactions. हमने first chapter के अंदर study किया था, then what the displacement reactions are? Displacement reactions are those reactions where a reactive metal displaces a less reactive metal from its compound. एक reactive metal compound में जो less reactive metal present है उसको displace कर देता है, उसकी पोजीशन खुद ले लेगा और न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है. एंड वी नो वेरी वेल दैट ऑल द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दे डिपेंड अपॉन द रिएक्टिविटी सीरीज. सो द मेटल्स व्हिच लाई एट टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज दे शो मोर रिएक्टिव रिएक्शंस, वो ज़्यादा रिएक्टिव पावर अपनी शो करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट बहुत ईजिली कर देते हैं. जो मॉडरेट होंगे उनकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थोड़ी सी स्लो रेट पे होती हैं. एंड द मेटल्स विच लाई एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज उनकी या तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होंगी ही नहीं, और अगर होती है तो बहुत ही स्लो रेट के ऊपर होती है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल ऑफ दीज रिएक्शंस ऑफ एसिड्स विद मेटल्स. द एग्जाम्पल इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी 2.3. पहले डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देखते हैं इस एक्टिविटी का. We need to arrange apparatus in this way to conduct this experiment. इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या यूज़ किया है. We are using a stand. Stand पे हमने एक टेस्ट ट्यूब को अटैच किया है. टेस्ट ट्यूब से एक डिलीवरी ट्यूब अटैच्ड है, कनेक्टेड है, एंड दैट डिलीवरी ट्यूब इज बींग इमर्स इन दी कंटेनर. किस दूसरे एम्प्टी कंटेनर के अंदर उसको डिलीवरी ट्यूब को हमें इमर्स कंडीशन के अंदर रखना है. अब देखते हैं कि वॉट काइंड ऑफ सब्सटेंसेज वी आर यूजिंग ओवर हियर. टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट वी आर यूजिंग वन मेटल जिंक इन दिस टेस्ट ट्यूब. हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स बताया था आपको लेबोरेटरी के अंदर. दीज जिंक ग्रेन्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन दी सिल्वरी ग्रे कलर, सिल्वर ग्रे कलर की कोटिंग इनके क्रिस्टल्स के ऊपर प्रेजेंट रहती है. तो हमने कुछ क्रिस्टल्स को यहाँ पे यूज किया है. एंड वी आर शोइंग द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स. तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया विच इज दी सल्फ्यूरिक एसिड. वी कुड टेक एनी अदर स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड. इस एक्सपेरिमेंट में हमने सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया है. तो जैसे ही मेटल इस सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, देयर विल बी द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. एंड हाउ इट्स प्रेजेंस कैन बी सीन, इट कैन बी सीन ओवर हियर इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स. हमें यहाँ से बबल्स राइज होते हुए दिखाई देते हैं.
When these bubbles are passing through this delivery tube and get mixed with the soap solution taken in this container. इस कंटेनर के अंदर हमने सोप सॉल्यूशन को यूज किया है. सो व्हेन द हाइड्रोजन गैस इज पासिंग थ्रू दिस डिलीवरी ट्यूब इनटू दिस सोप सॉल्यूशन, जब भी सोप सॉल्यूशन के अंदर हम एयर पास ऑन करते हैं, कोई भी गैस पास ऑन होगी, तो वहां से बबल्स का फॉर्मेशन होगा. नाउ बबल्स आर अराइजिंग फ्रॉम हियर एंड दीज बबल्स आर नॉट एम्प्टी, दीज बबल्स आर हैविंग हाइड्रोजन गैस filled inside them. यहाँ पे लेबलिंग में shown है that these are soap bubbles filled with hydrogen gas. अब यहाँ पे question arise होता है that why we are taking this soap solution. हम that यहाँ पे भी show कर सकते थे कि hydrogen gas produce हो रही है. That is just because that hydrogen is a colorless, odorless gas. ये ना तो हमें दिखाई देती है, नहीं इसकी presence को हम smell कर सकते हैं. बट जब इस हाइड्रोजन गैस को व्हेन इट इज पास थ्रू सोप सॉल्यूशन, तो सोप सॉल्यूशन से बबल्स निकलेंगे एंड दोस बबल्स आर क्लियरली विजिबल टू अस. ऑन ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल नियर दीज बबल्स फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस, व्हाट विल हैपन, दिस गैस विल बर्स्ट. ये जो बबल्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं. हाइड्रोजन गैस इनसाइड देम विल कैच फायर एंड इट विल बर्स्ट विद अ पॉप साउंड. ये पॉप साउंड के साथ बर्स्ट होती है. सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ दिस रिएक्शन. हमने यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस किया. लेट्स सी वट काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस ओवर हियर. कि यहाँ पे इसके हम केमिकल इक्वेशन देखते हैं कि हमने जो मेटल यूज किया दैट वॉज इन सॉलिड फॉर्म जिंक, प्लस इसकी रिएक्शन हमने करवाई है विद सल्फ्यूरिक एसिड. स्टूडेंट्स एसिड्स एंड बेसिस दे शो देयर प्रॉपर्टीज ओनली इन द एक्वा स्टेट. तो यहाँ पे हम जो एसिड यूज करेंगे वो एक्वा स्टेट में है. हमने एक यू शो किया है इसके ब्रैकेट के अंदर. क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर? स्टूडेंट्स इन रिएक्टिविटी सीरीज हे यू कैन सी दिस इज द पोजिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड जिंक इज लाइंग अबव द हाइड्रोजन. जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, दैट मीन हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है. तो इन रिएक्टिविटी इन सॉरी केमिकल रिएक्शन के अंदर जहाँ पे हम बात कर रहे हैं दैट हाउ एसिड दे रिएक्ट विद द मेटल्स, तो इनमें हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. दैट मीन्स दोज मेटल्स विच आर मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं, दे एक्चुअली रिप्लेस दिस हाइड्रोजन गैस एंड टेक पोजिशन ऑफ दैट हाइड्रोजन गैस टू मेक अ न्यू कंपाउंड विच इज अ सॉल्ट ओवर हियर. सो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जिंक इज प्रेजेंट ओवर हियर एंड दिस इज द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो जिंक ने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया. ये हाइड्रोजन गैस गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो रही है एंड जिंक इटसेल्फ इट हैज टेकन द प्लेस ऑफ द हाइड्रोजन टू मेक कंपाउंड जिंक सल्फेट. सो जिंक सल्फेट इज द सॉल्ट ओवर हियर. लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस. इफ वी आर हैविंग मैग्नीशियम, सो मैग्नीशियम इट आल्सो लाइज अबव द हाइड्रोजन. यहाँ पे मैग्नीशियम है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है. सो मैग्नीशियम इज ऑल्सो मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो इसने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड हैज टेकन इट्स प्लेस टू फॉर्म सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड. इन द सेम वे इफ आयरन इज रिएक्टिंग विद द सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन आयरन इज ऑल्सो प्रेजेंट अबव द हाइड्रोजन, सो इट कैन रिप्लेस इट. हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ द गैस एंड मेकिंग आयरन सल्फेट ओवर हियर विच इज अ सॉल्ट. तो ध्यान रखना है कि जब भी किसी एसिड की रिएक्शन हो रही है मेटल के साथ, तो जो सॉल्ट्स बनते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, दो सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. इस सॉल्ट के अंदर किसी भी सॉल्ट में टू आयंस प्रेजेंट है, वन इज द पॉजिटिव आयन सेकेंड इज द नेगेटिव आयन. तो इस सॉल्ट का जो पॉजिटिव आयन है, से वी आर टॉकिंग अबाउट द आयरन, तो आयरन कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द मेटल. एंड जो इसका नेगेटिव आयन है सल्फेट, दैट इज कमिंग फ्रॉम द एसिड. इन द सेम वे अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें, तो इसका जो मैग्नीशियम है पॉजिटिव आयन Mg2+ वो तो आ रहा है मेटल से, और जो इसका नेगेटिव आयन है क्लोराइड आयन से माइनस आयन, वो आ रहा है एसिड से.
राइट सो अभी तक समझ में आ रहा है हमें कि हाउ एसिड्स दे रिएक्ट विद द मेटल्स. स्टूडेंट्स रिमेंबर वन मोर थिंग, हुआ है हम बार बार बात कर रहे हैं दैट दीज रिएक्शंस आर एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉपर की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन तो क्या होगा, तो ऑल ऑफ सडन यू माइट जंप एंड आंसर कि ओके देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एंड साथ में कॉपर क्लोराइड CuCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा. बट दिस इज रॉन्ग. व्हाई इट इज सो, बिकॉज इन दिस रिएक्टिविटी सीरीज कॉपर इज लाइंग बिलो हाइड्रोजन. कॉपर हाइड्रोजन से नीचे एग्जिस्ट कर रहा है. दैट मीन्स दिस कॉपर इट कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स पोजिशन. ये हाइड्रोजन को इसकी पोजिशन डिस्प्लेस ही नहीं कर सकता. दैट मीन्स नो रिएक्शन विल टेक प्लेस ओवर हियर. ऐसे केसेस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नहीं कोई हाइड्रोजन गैस वहाँ पे प्रोड्यूस होगी. इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ऑफ दीज रिएक्शन, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है, तो यहाँ पे जैसे हमने बात की अबाउट थ्री मेटल्स जिंक मैग्नीशियम एंड आयरन, तो इनमें से किस किस एटम के साथ, किस मेटल के साथ रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी, रिएक्शन बहुत ही स्पीड से कंडक्ट होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. कि इन मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज में पोजिशन क्या है. एज वी कैन से सी दैट मैग्नीशियम इज लाइंग एट द टॉप, देन देयर इज अ जिंक एंड देन देयर इज द आयरन. सो इन केस ऑफ मैग्नीशियम विद एसिड द रिएक्शन विल बी मोर विग्रस, रिएक्शन बहुत फास्ट स्पीड से होगी. और कैसे पता चलेगा हमें कि रिएक्शन बहुत स्पीड से हो रही है, दैट कैन बी चेक्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. बबल्स हमें वहाँ पे बहुत स्पीड से निकलते हुए दिखाई देंगे. सेकेंड वन इज अ जिंक आउट ऑफ दीज थ्री एग्जाम्पल्स. तो जब जिंक की रिएक्शन होगी एसिड के साथ, बबल्स तो फॉर्म होंगे हाइड्रोजन गैस के, बट द अमाउंट विल बी लेस इन द कंपेरिजन ऑफ द मैग्नीशियम. एंड देन कम्स द थर्ड एग्जाम्पल विच इज आयरन. आयरन के साथ जब रिएक्शन होगी अगेन हाइड्रोजन गैस के बबल्स प्रोड्यूस होंगे, बट उनका नंबर काफ़ी कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज मेटल्स इन द रिएक्टिविटी सीरीज. और जब हम कॉपर की रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ, देर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ बबल्स. वहाँ पे कोई गैस प्रोड्यूस नहीं हो रही बिकॉज वहाँ पे कोई रिएक्शन ही कंडक्ट नहीं हो रही. सारी एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे. देन हाउ द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस कैन बी कन्फर्म्ड. हमने चैप्टर नंबर वन के अंदर भी बात की थी. प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस कैन बी कन्फर्म्ड बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग मैचस्टिक और कैंडल नियर बाय इट. If the gas catches fire and bursts with pop sound, that is a clear indication of the presence of hydrogen gas. बात करते हैं how bases they react with the metals. Because हमारा topic ये था कि action of acids or bases with metals. Acids की बात कर ली, अब देखते हैं bases metal के साथ कैसे reaction करेंगे. Key concept will remain same. There will be the formation of salt plus hydrogen gas. Will be evolved, but हमने बात की थी that every time the formation of salt that will be differ. हर रिएक्शन के साथ salt का जो formation होता है उसका pattern थोड़ा different होगा. तो यहाँ पे प्रूव करते हैं इस चीज़ को practically. And for this students, in your NCERT book, the example is given in the form of activity 2.4. In this activity 2.4, what is shown? We are taking one metal which is zinc. इन सॉलिड फॉर्म और जिंक को हमने एड ऑन किया है विद अ बेस, रिएक्शन करवा रहे हैं एक बेस के साथ. सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दे आर वाटर सॉल्यूबल बेसिस. एंड फॉर वाटर सॉल्यूबल बेसिस वी यूज द टर्म एल्केलाई. तो हम स्ट्रॉन्ग एल्केलाई के साथ शो कर रहे हैं जिंक की रिएक्शन. दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग ओनली. तो हमें सेटअप को यहाँ पे हीट देनी पड़ेगी और जैसे हीट देंगे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट आल्सो. बट यहाँ पे देखते हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है. सो इन दिस सॉल्ट दिस Na2ZnO2 इज कॉल्ड एज सोडियम
जिंकेट, इसका नेम है केमिकल नेम दैट इज सोडियम जिंकेट. नाउ इन दिस सॉल्ट, हमने बात की थी सॉल्ट के अंदर हमेशा टू आयंस होते हैं, वन इज अ पॉजिटिव आयन, सेकेंड वन इज द नेगेटिव आयन. तो इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन है दिस इज सोडियम Na+, ये कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम द बेस, बेस के पॉजिटिव आयन से आ रहा है हमारा सॉल्ट का पॉजिटिव आयन. एंड जो इसका नेगेटिव आयन है दैट इज जिंकेट आयन ZnO2-. अब इस नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? दिस नेगेटिव आयन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द मेटल प्लस ऑक्सीजन फ्रॉम द बेस. बेस के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है नेगेटिव आयन ऑफ दिस सॉल्ट. सो दिस इज द डिफरेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद द एसिड्स और व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद द बेसिस. Let's see few more examples. What happens when tin reacts with the sodium hydroxide in its aqueous state? On heating it forms sodium stannite plus hydrogen gas is produced. In the same way, when aluminium metal it is reacting with the sodium hydroxide NaOH plus water, on heating it forms sodium aluminate प्लस हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस. एंड सेम वे में हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को हम चेक करते हैं बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल और अ बर्निंग मैचस्टिक नियर बाय इट. गैस कैचेस फायर एंड बर्न्स विद अ पॉप साउंड. सो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो यू लर्न दैट हाउ एसिड्स एंड बेसिस दे रिएक्ट विद द मेटल्स एंड देयर रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज. एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनेशन के अंदर आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. दैट शो गिव वन एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट टू शो द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एसिड. आप पूरे एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में उसको एक्सप्लेन कीजिए कि मेटल की एसिड के साथ कैसे रिएक्शन शो होती है अलॉन्ग विद इट्स डायग्राम. तो आपको डायग्राम भी प्रिपेयर करना है एंड केमिकल इक्वेशंस वी आर अंडरस्टैंडिंग एवरी टाइम, उनको आप लैंग्वेज के फॉर्म में इजीली मोल्ड कर सकते हैं. यू कैन मेक योर ओन लैंग्वेज इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.